Hello and welcome to Tell Me How You Did It. I'm Namrata Zakaria and I'm here to bring to you my handpicked list of some of India's finest brands. Yes, our best homegrown companies that can compete with the world's best and still win the battle hands down. These companies range from food, fashion and film to home, art and design. I'm only too happy to talk to the founders who not only chased their rainbows, they also made India proud. Make sure you tune in at hdsmartcast.com week after week to shake the hands that built our best businesses. Listen to them tell me how they did it. I'm only too happy to bring to you the story of a business where the founder is a national hero. Nandkishore Chaudhary, the founder of Jaipur Rugs, is a very well-known social entrepreneur. His work in rural employment and the empowerment of women in villages has earned him the reputation of being the Gandhi of the carpet industry. Chaudhary believes that the real owner of the carpet is the person who makes it. And Jaipur Rugs, through all its endeavors, wants to throw the spotlight on the creator of the craft. Chaudhary, known as NKC in the industry, started his weaving business in 1978, which is 2 looms and 9 weavers. Today, he employs 40,000 people across 600 villages, and he's just opened the first Jaipur Rug store in Milan. Mr. Chaudhary, I'm so honored to be talking to you today. Thank you for taking the time out and spending it with us. Thank you, Namrata. If I may ask you, when you started in 1978, there was a lot of resistance from your family. They said to you that weavers belonged to a lower caste, that they were untouchable. They did not want you to do what you wanted to do with work. I want to ask you, what was your parents' line of work? How did you counter their resistance? And why were you so passionate about making carpets? देखिए जैसा आपने बताया मैंने दो लूम जब अपने घर पे लगा के नो वीवर के साथ इस धंधे की शुरुआत की तो माताजी पिताजी परिवार के सारे लोग बोले कि ये तो सारे लोग अछूत जाति के हैं they all are the untouchable तो हम इनको घर पे नहीं आने देंगे फिर धीरे धीरे जो मोहल्ले वाले लोग थे वो बोले हम इनको मोहल्ले में नहीं आने देंगे और फिर जब मैं किसी पार्टी में जाता किसी फंक्शन में जाता गैदरिंग में जाता तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे आपका हाथ मिलाने से इनकार हाँ 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 कि आप तो refuse to shake your hands that's unbelievable yes तो बोले कि आप तो untouchable लोगों के साथ काम करते हैं तब मुझे उस वक्त समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसी हो सकती है एक आदमी की पहचान तो उसके शुद्ध कर्मों से होनी चाहिए और फिर मुझे ये भी अंदर से समझ आया कि जिस परिवार का मैं हिस्सा हूं जिस समाज का मैं हिस्सा हूं वहां पर हिपोक्रेसी कितनी ज्यादा है मतलब लोग घर में कुछ हो रहे हैं मंदिर में कुछ हो रहे हैं ऑफिस में कुछ हो रहा है अकेले होते हैं तो और ही कुछ होते हैं लेकिन इतने सारे विरोध के बावजूद भी मेरा जो प्रेम था आई वॉज इन रियली लव विद द वीवर्स एंड वीविंग तो मैं पूरा समय वीवरों के साथ ही जो वो काम करते थे उनके साथ बैठ के गुजारता था उनकी वीविंग को अच्छी तरह से मैं ऑब्जर्व करता था उनसे सवाल पूछता था और मैं दोपहर का खाना भी वो लोग अनटचेबल होने के बावजूद भी मैं उन लोगों के साथ ही खाता था वो उनका खाना उनके घर से आता था मेरा खाना मेरे घर से आ जाता था और उन्हीं लोगों के साथ खाता था तो मेरा प्रेम इन लोगों के प्रति कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा था और जो इतना विरोध था फिर उसका मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया सर आपने जो ये बात कही कि अ मैन मस्ट बी नोन बाय हिज एक्शंस एंड नॉट बाय हिज कास्ट ये हमारे देश में स्पेशली इन स्टेट्स लाइक राजस्थान आई मीन आई वुड से ऑल ओवर बट स्पेशली इन 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 राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दीज सिचुएशंस एंड दीज स्टोरीज स्टिल एग्जिस्ट ये दूर की बात नहीं है सिर्फ 1978 की बात नहीं है ऐसे हमारे देश में ऐसे प्रॉब्लम अभी भी है सर
देखिए, मैंने जो जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की, जी जो ब्रांडेड शूज की दुकान थी, जो चूरू शहर में मेरे पिताजी चलाते थे। जी लेकिन उस दुकान पे मेरा मन नहीं लगता था एज ए सेल्समैन, और उस वक्त मुझे बैंक में कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी सरकारी बैंक में। तो बैंक को मैंने धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा मेरे को, लेकिन मैंने नौकरी और छोड़ दी, उस जमाने में बैंक की नौकरी सबसे बड़ी बात थी, सरकारी और वो भी सरकारी बैंक में मिली मेरे बैंक। को। तो एब्सोल्युटली, या फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी नेचुरल एबिलिटी क्या है, मेरा पेशन क्या है, क्यों मैं अपने पेशन को ही अपना काम बनाना चाह रहा था। और मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं उस वक्त बड़ा स्पिरिचुअल, काफी गुरुज वगैरह थे जो चूरू आते रहते थे, उन पे भी मैं टाइम स्पेंड करता था। तो जी मुझे मुझे ये समझ में आ चुका था कि मुझे अब अगर अपने आप को जानना है, मुझे अपने आप को पाना है, तो मेरे जो विचार है, मेरे जो कर्म है, वो ही मेरे को बताएंगे कि हु एम आई। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आप को जानने के लिए मुझे बिजनेस ही शुरू खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो वन डे आई विल नो माई सेल्फ कि मैं कौन That's a हूं, वॉट इज wonderful माई कोर। philosophy. It's a wonderful thought. It's a wonderful philosophy. And it's truly a man is known by his actions. So then you moved to Gujarat. आप फिर 10 साल गुजरात में रहे, वहां आप विमेन आर्टिजन्स, विमेन कारीगर्स के साथ काम करने लगे. What does social enterprise or conscious capitalism mean to you? Tell us about your time in ठीक है Gujarat. जी। देखिए, सबसे पहले जो आपने पहला जो कमेंट किया था कि ए मैन शुड बी नोन बाय हिज एक्शन, तो ये साल पिछले महीने जो थिंकर 50 प्लेटफॉर्म है उसमें मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है। और बहुत कम जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे सेलेक्ट नहीं होते, नॉमिनेट ही नहीं होते। तो उन्होंने मेरे को इसीलिए शॉर्ट लिस्ट किया कि एक आइडिया को जिसने इम्प्लीमेंट किया हो, उस श्रेणी में मेरे को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि जब मैंने इस धंधे को शुरू किया था और जिस सोच के साथ शुरू किया था अपने आप को जानने के लिए, उसको आज एक ग्लोबली रिकग्नाइजेशन मिली। तो ये मेरे को बहुत, मतलब मुझे काफी एक प्रसन्नता का विषय है बट कि सर, जिस आपको चीज। तो इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं. प्रणब मुखर्जी सर ने भी आपको सोशल इम्पैक्ट अवार्ड दिया है. हाँ, कम से कम 100 से ज्यादा अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं मेरे को। लेकिन मैंने देखा जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो जब आप लोगों के साथ जब काम करते हैं, उनके अंदर जो खुशियां आती है, उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है, और जब उन लोगों की दवाएं आपको आपको मिलती है, उनका प्रेम जब आपको मिलता है, तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जी, सो परिवर्तन, यू मीन द चेंज दैट यू एबल टू ब्रिंग अबाउट इज द ग्रेटेस्ट अवार्ड एंड रिवॉर्ड फॉर यू. राइट जी, राइट राइट। जो हैप्पीनेस उनके चेहरे में आती है, एंड द वे दे सी द वर्ल्ड, उनके जो उनका जो प्रिसेप्शन बदलता है। क्योंकि पहले हमारे जो काम करने वाले व्यूअर थे, दे वर लाइक द वर्कर्स, कि हमें दिन दिन में इतने पैसे कमाने हैं, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए कमाना कमाने हैं। लेकिन अभी जो काम करने वाले जो व्यूअर है, उनके डिजाइन नेशनल लेवल पे गए हैं। नाउ दे फील प्राउड व्हाट दे आर डूइंग। तो अभी वो एक वर्कर नहीं होके दे बिकेम द आर्टिजन। और जो फ्यूचर विजन है जयपुर का, जिस पे अभी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, ईच एंड एवरी आर्टिजन ऑफ जयपुर रग विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट एंड ही विल बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन। इससे उनकी जो वंडरफुल. डिग्निटी है, उनकी जो इनकम है, वो मेनी टाइम्स हो जाएगी। सो टेल अस अबाउट गुजरात व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग विद द वुमेन देयर. हाँ जी, देखिए, मैं आपको गुजरात की एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा प्लीज. कि जब
जब मैंने जयपुर आके हमने एक्सपोर्ट की शुरुआत की तो उस वक्त इंडियन कारपेट की बहुत मांग थी जर्मन मार्केट में, तो हम हमारे पास भी इतनी मांग थी कि उस मांग को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे वीवरों के वीविंग और वीविंग में मजा आता था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे नए वीवर्स तैयार करने चाहिए। तो उस वक्त पता चला कि गुजरात का एक ट्राइबल एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, बहुत गरीबी थी वहां पर। तो सरकार कोशिश कर रही थी कि इस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो वो कारपेट की ट्रेनिंग वगैरह दे रही थी। तो मैंने सोचा उस एरिया में जाके थोड़ी रिसर्च करते हैं, तो मैं उस एरिया में गया, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की। तो पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा एरिया था? ये था नौसारी डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट और डांग डिस्ट्रिक्ट, ये तीन डिस्ट्रिक्ट थे। ओके। तो जब पहले दिन में गया तो वहां के लोकल लोगों ने बोला कि ये जो दिस ट्राइबल पीपल दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर्स, तो अगर आप इनके साथ काम करेंगे दे कैन डैमेज यू। उस वक्त तो बहुत पिछड़े हुए थे, मतलब आज के 40 साल पहले। तो फिर मैंने सोचा इस एरिया में काम करूं नहीं करूं, लेकिन मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था उस वक्त जो इंग्लैंड से हर साल इंडिया आता था, वो उन्होंने पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी पे उसी आदमी ने काम किया है सारा, पेंटेड वॉल्स शेखावाटी को फेमस करने वाला वही है। हाँ हाँ यस, और किताबी लिखी है उसने। तो मेरे घर पे खाना वाना खाता है चोरू आता था तब, तो मैं जब कोई प्रॉब्लम आती है हम उसको पूछते थे, तो मैंने उसको पूछा कि इस एरिया में मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि दिस ट्राइबल पीपल्स दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया, बाहर के लोगों ने इनका आके शोषण किया है, तो इसलिए बाहर के आदमी को ना ये लोग प्रीफर नहीं करते, उनको महत्व नहीं देते। तो इफ यू डील टू देम विथ लव एम्पैथी एंड कंपैशन दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। तो उसकी बात को मान के मैं उस एरिया में गया और 3 साल में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि जब मैं वीवरों से मिलने के लिए उनके घर पे जाता था तो उनके घर वाले बाहर खड़े होके मेरा इंतजार किया करते थे। और 8 साल में उस एरिया में करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को ना मैंने इस कारपेट वीविंग का काम सिखाया, और आज भी हमारा जो बेस्ट कारपेट बन के आता है वो उसी एरिया से आता है। Wonderful. So, sir, you broke the ice. You built a relationship. You built trust with them. Then you started working with them because there was resistance. They didn't have faith. They were fearful also of the outsider. But first you established a friendship, a relationship, and then you gave them work. Right. इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं? Please. एक बार क्या था, मैं अमेरिका में था, तो वहां पर हमारा वो कारपेट का हाई पॉइंट मार्केट लगता है। तो साल में 2 बार फेयर लगते हैं उसमें, तो मैं अक्टूबर फेयर में वहां था हाई पॉइंट पे। तो वहां एक पत्रकार आए मेरे पास, काफी सीनियर पत्रकार थे, तो बेटी ने बोला पापा ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने मिलाया मेरे को। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, चौधरी साहब एक सवाल है मेरे मन में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा जरूर पूछिए। तो बोला कि हमने सुना है कि आपके पास 20-25 हजार वुमेन काम करती है, और हमने ये भी सुना है कि इंडिया में किसी वुमेन से अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले उनके हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे आपका अभी सवाल समझ में नहीं आया, आप थोड़ा 15 मिनट सोचने का टाइम दीजिए और 15 मिनट बाद मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। फिर 15 मिनट मैंने सोचा अलग से, और फिर जब मैंने उनको दोबारा आके जो जवाब दिया, मैंने उनको बताया देखिए मैंने अपने पूरे जीवन में ना किसी भी जो हमारे पास काम करने वाली वुमेन है उसके हस्बैंड से न तो मैंने परमिशन ली, न मैंने कभी कोई बातचीत भी नहीं की। तो बोला फिर क्या कारण है कि मतलब आप उनसे बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये कि एक आदमी के चेहरे पे लिखा हुआ रहता है कि हु आर यू, और वुमेन से ज्यादा अच्छा उसको पढ़ने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। So again, sir, ये विश्वास की बात हुई, trust की बात हुई। Exactly. कि how much you trust yourself? If you trust yourself, if you love yourself, it will overflow. तो लोग आपको trust करेंगे ही करेंगे। And what impact did you have on the lives of these women? Because I feel that if there is real change to come in India, in our villages, the woman must be employed, the woman must be educated.
आदमी को तो नौकरी मिल जाएगी, पर अगर एक औरत को नौकरी मिलेगी, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी, वो काम भी करेगी, वो पूरा, वो पूरे गांव का सोशल स्ट्रक्चर ही बदल जाओ। राइट जी, मैं कुछ स्टोरीज बताता हूँ आपको इनकी कि एक तो देखिए, हमने 2014 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया हमने मनचाहा प्रोजेक्ट। जी, मनचाहा प्रोजेक्ट का मतलब है कि कारपेट इंडस्ट्री में जो कारपेट बनते हैं तो वो एक्सपोर्टर उनको एक मैप देता है, उस मैप को देख के वो वीविंग करते हैं सारा। तो हमने उनको बोला कि आप अपने खुद आपके अंदर जो चलता है, आपके हार्ट एंड सोल में जो है, उसको देखते हुए आप अपने डिजाइन बनाइए खुद के, बिना नक्शे के डिजाइन बनाइए। सो मनचाहा मींस योर हार्ट्स डिजायर्स और योर बिलव। यस। सो यू वेंट टू वीवर्स एंड यू टोल्ड देम डिजाइन हाउ यू लाइक इट, नॉट फॉलो समबडी एल्सस डिजाइन। परफेक्ट, परफेक्ट। तो उसमें क्या हुआ, मेरी बेटी जो कविता है, ये ग्लोबल डिजाइनर, तो जब वो मेरे साथ गांव में जाती थी, मैं बता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसी हुई, कैसे उसने वुमेन को पहचाना कि व्हाट दे कैन डू। तो जब गांव में जाती थी तो कई बार बोलती थी, पापा ये जो वुमेन है, इसमें काफी जो वुमेन है वो तो मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है, तो मैं पढ़ाया है, इतना खर्चा किया, तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है। तो फिर उसने मेरी बात को नहीं मान के उसने कुछ वुमेन को चुना। वो कला उसी के पास है, कैसे चुना मैं नहीं बता सकता। तो और फिर उनको बोला कि अब आप अपने मन पसंद के कारपेट बनाइए। तो इनिशियल 2-3 साल थोड़ी प्रॉब्लम आई, कारपेट थोड़े कम बिके, कई कारपेट अच्छे बिके। फिर 2017 में बिमला देवी, जिसको बिमला देवी जो कभी मतलब प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई, अपने गांव के बाहर भी नहीं गई, उसकी डिजाइन को जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में मिला, और वो बेटी के साथ जर्मनी अवार्ड लेने के लिए गई अपनी डिजाइन का, और अभी तक 9 ग्लोबल अवार्ड उनके बनाए डिजाइन को मिल चुके हैं। और कितनी सारी ये जो वुमेन है जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती है, उसमें इनको जूम के माध्यम से कितनी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज में इनको सवाल पूछे जाते हैं और ओपनिंग सेशन में बोल चुकी है। तो ये मैं उनकी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बताता हूँ कि उनकी डिग्निटी में क्या फर्क आया। दूसरा, हाँ जी, यस, नहीं आप बोलिए, प्लीज बोलिए। दूसरा जो मैं ये बताना चाहूंगा कि उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, कि मतलब जब हमारे इतने सारे व्यूअर्स हो गए, तो मैंने सोचा कि ये जो जितने भी व्यूअर है उनकी लाइफ पे कैसे मैं करूं काम। तो मैंने जयपुरक फाउंडेशन बनाया 2004 में, और जयपुरक फाउंडेशन बनाने का पर्पज यही था कि हाउ आई कैन चेंज देयर माइंडसेट, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो है माइंडसेट, और माइंडसेट से एक आदमी की हैबिट बनती है जी। और उसी से गरीबी या अमीरी जो भी है वो वहीं से आती है। तो हमने उन लोगों के माइंडसेट पे काम करना शुरू किया, और दूसरा हमने एक एक्सपोजर विजिट डिजाइन की कि इन वुमेन को, हम लोग सारी वुमेन को बस में लेके हम लोग जयपुर लाए, वहां लाके उनके बने हुए कारपेट दिखाए हमने, और पूरा जयपुर घुमाया, पूरे जयपुर ऑफिस को दिखाया। तो पहली बार उन्होंने अपने बने हुए कारपेट देखे, पहली बार उन्होंने जयपुर की इतनी सुंदरता को देखा, तो वो इतने खुश हो गए कि उनके कारपेट में कुछ गलतियां थी, तो बोले कि हम आगे जाके बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद में जयपुर के पूरे व्यूअर्स में एक ऐसा कल्चर चेंज हुआ कि सभी से हमारे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गए, और पिछले 10 साल से हमारे जितने भी जो कस्टमर आते हैं, दुनिया भर के रिसर्चर आते हैं, वो सब उन वुमेन से मिलने के लिए जाते हैं, और वो सब यही बोलते हैं कि इन वुमेन की जो लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, जो इनके अंदर जो पॉजिटिविटी आई है, कस्टमर को देखने की जो क्षमता बनी है जी। और एक एक परिवार में 10 से 20-20 हजार रुपए की जो इनकम 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 हो रही है, मतलब तो उसी की वजह से आज ये जयपुर का एक कॉन्शियस लग्जरी ब्रांड जो बना, वो उसी उनके माइंडसेट में जो चेंज हुआ वो उसी का रिजल्ट है।
And sir, the Manchaha carpet is behind you right now. ये किसने बनाया है? ये हमारे एक viewer हैं. उन्होंने बनाया है. और इसकी बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरी है कि जिन्होंने इस कारपेट को बनाया, जब हम लोग उनसे मिलने जाते थे तो बोलती थी कि दिन में तो मैं अपने हाथ से कारपेट बनाती हूँ और जब मैं सोती हूँ तो रात को ये कारपेट कल मुझे क्या बनाना है वो विचार मेरे मन में चले रहते हैं. तो मैं तो 24 घंटे पहले 12 घंटे अपने दिमाग में स्टोरी को बुनती हूँ, फिर 6 से 7 घंटे कारपेट बुनती हूँ मैं. And it really shows off different techniques, different knotting techniques. अलग-अलग सब डिजाइन एक ही कारपेट में दिख रहे हैं. हाँ, उन्होंने क्या कि जिस तरह से अभी भी हमने हमारे जो ये मनचाहा कारपेट है, आज दुनिया के टॉप सेलिब्रिटीज, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल, बहुत फेमस लोग ये कारपेट को खरीदते हैं, मतलब एंड दे आर रेडी टू पे एनीथिंग फॉर दैट. अभी पिछले सप्ताह जो हाई पॉइंट शो हुआ था उसमें हमने 5 कारपेट लगाए थे और 5 के कारपेट सेम डे बिक गए, वो भी ऐसे टॉप लोगों ने खरीदे कि आप सोच नहीं सकते. तो कांग्रेचुलेशंस, वेरी ब्यूटीफुल इट इज. सो नाउ यू एम्प्लॉय 40,000 पीपल फ्रॉम 600 विलेजेस. हाउ डिड द बिजनेस कम टू to be spread across 5 states, and which are these 5 states? देखिए, इसका मुख्य जो था कि जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मेरे मन में था कि मैं कभी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम नहीं करूंगा डायरेक्टली, क्योंकि पूरी कारपेट इंडस्ट्री में ना ये परंपरा रही है अभी तक कि जैसे एक बड़ा मिडलमैन होता है, फिर छोटा मिडलमैन होता है, गांव में और छोटे छोटे मिडलमैन होते हैं, तो पूरे दुनिया की कारपेट इंडस्ट्री में मतलब मिडलमैन के थ्रू काम हुआ, लेकिन मैंने कभी मिडलमैन के थ्रू काम नहीं किया. तो जयपुर की जो सफलता रही वो कि जैसे मैंने बताया कि मैं एक पीपल पर्सन था, तो लोगों से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था. जब मैं गांव के अंदर जाता था, गांव के लोगों की वीवरों की भीड़ लग जाया करती थी मेरे से बातचीत करने के लिए, और जब मैं उनसे बातचीत करके गांव से जाता था तो अगले दिन ही मांग आती थी कि हमारे गांव में भी आप लूमे भिजवाइए. मतलब तो जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी सफलता है वो है कि डायरेक्ट व्यूअर से काम करना, डायरेक्ट व्यूअर के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाना, और जितने भी जो हम लोग जो सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सुपरविजन करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो सारा व्यूअर के घर पे ही देते हैं. एक वुमेन को Doorstep entrepreneurship. उनको एक वुमेन को अपने घर के बाहर आने की जरूरत नहीं होती. तो ये आइडिया आपको कैसे आया और कब आया कि अगर मैं मिडलमैन को निकाल दूं और डायरेक्टली इफ आई वर्क विद द वीवर्स हिमसेल्फ एंड दे होम्स, बिकॉज़ दिस इज गेम चेंजिंग. दिस इज नॉट टेकिंग यू नो द पुअर आउट ऑफ विलेजेस, टेकिंग देम टू सिटीज, एम्प्लॉइंग देम देयर. दिस इज अपने घर पे बैठो, अपना काम करो और यू नो यू कैन जेनरेट एन इनकम सिटिंग एट होम. एंड इट ऑल्सो फ्यूल्स रूरल इकोनॉमी, राइट? ऑल्सो वो विलेज का नक्शा ही बदल जाता है जब आदमी या औरत को गांव से निकाले नहीं, अपने गांव में ही रखे और वहां ही वो आमदनी बनाए. दैट इज जस्ट वंडरफुल. देखिए, जब मैंने इस धंधे की शुरुआत की दोलूम लगा के, जैसे मैंने बताया था कि घर वाले, मोहल्ले वाले सभी लोग बोले कि ये तो आपने गलत धंधा शुरू कर लिया, गलत लोगों के साथ शुरू कर लिया. तो एक्चुअली आई वाज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, बाय द फैमिली, और जिन लोगों के साथ मैं काम करता था दे वर ऑलरेडी रिजेक्टेड. They live on the fringes of society. Right. They are fully marginalized. Right. So I think I need love from them and they need love from them. So either to main rejected ho gaya, udhar wo log rejected ho gaye. So unko mera prem chahiye, mujhe unka prem chahiye. To unke saath mujhe kaam karne mein aanand aaya, unko mere saath kaam karne mein aanand aaya. Aur pata bhi nahi chala ki ek din ye itne sare 40,000 लोग है ना, मतलब जयपुर से जुड़ जाएंगे.
फिर क्या है कि जब आप लोगों के साथ अच्छी तरह बिहेव करते हैं, इफ द पीपल लाइक यू और आप में ऑथेंटिसिटी है, इनोसेंसी है आपके आपके काम में, फिर जब चर्चा फैलती है तो इट क्रिएट द कल्चर। और कल्चर बनने के बाद Which are these states? कौन से ये states हैं जहाँ आपके आपके viewers हैं? अभी हम लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, यूपी में और राजस्थान में और झारखंड में। झारखंड, wonderful. यूपी is a very big industry for carpets. हाँ जी, right, wonderful. So I want to ask you about the Freedom Manchaha line. आप जेल के कैदियों को भी कारपेट बनाना सिखाए हैं, उसके बारे में आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं बताऊं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। जी। एक बार जयपुर में जेल के जो डीआईजी थे, उन्होंने बोला कि चौधरी साहब, हम लोग ये जेल में शुरू करना चाहते हैं, आप जैसे कारपेट बनाते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए, मतलब मेरी पहली शर्त ये होगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जिनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पहले आप मेरे साथ जाके उन व्यूवरों को देखे समझे, 2-3 घंटा उन लोगों के साथ गुजारे, और फिर उसके बाद फिर अपने बात करेंगे, मैं शुरू करूंगा नहीं करूंगा। तो बड़े अच्छे आदमी थे तो वो मेरे साथ गए, फिर उन्होंने व्यूवरों से खूब बात की, सबको इकट्ठा किया, बहुत लंबे टाइम तक उनसे बातचीत की, उनके साथ रुके, चाय वाय पी उनके साथ। फिर जब हम लोग कार में वापस आ रहे थे तो मेरे को बोले, चौधरी साहब ये कारपेट वीविंग तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज हो गई, आपने इन लोगों यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तरह से इनका परसेप्शन चेंज हुआ है, इनके चेहरे में जो खुशियां है, ये जो एक कल्चर बना है, वो खुशियां मैं जेल में देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं इसीलिए आपको लाया था कि अगर ये खुशियां मैं क्रिएट कर पाया जेल में तो मैं शुरू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। कारपेट तो एक बहाना है, ये तो मीडियम है कारपेट वीविंग, तो मैं उन खुशियों के लिए काम करना चाहता हूं, और आप इसको समझ गए। तो फिर जब हमने जेल में इस काम को शुरू किया, सारे लोगों को ये बताया कि ये जो वीविंग है, इस वीविंग से आपने कुछ भी किया, कुछ भी गलत काम किया है, आपके मन में गिल्ट है, फियर है, शेम है, तो जब आदमी हाथ से काम करता है, दैट बिकेम द डिवाइन, तो आप सब चीज को भूल जाएंगे और एक ऐसा कल्चर क्रिएट हो जाएगा कि आप पूरे दिन भर रेडियो पे गाने सुनेंगे, बातें करेंगे, और आपको एक अलग खुशी आएगी, और आप पैसे भी कमाएंगे उसमें। तो ये सोच के हमने कैदियों को समझा के शुरुआत की, और आज करीब राजस्थान की करीब 3 या 4 जेलों में हम लोग और शुरू कर चुके हैं। और जब हमने भी उनको ये स्वतंत्रता दी, उनको बोला कि आप अपने डिजाइन के कारपेट बनाइए, जैसे हमने वुमेन के साथ किया, और जब हमने जेल के कैदियों के साथ शुरू किया, तो मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि एक साइकोलॉजी है कि वुमेन जो होती है, वुमेन जब बच्चे को जन्म दे देती है, तो शी हैव प्रूव्ड हरसेल्फ, तो उसके बाद वुमेन को जरूरत नहीं होती अपने आप को प्रूव करने की, मैं कितनी क्रिएटिव हूं। She don't want to prove herself because she approved already. लेकिन आदमी के अंदर ऐसी कुछ भगवान ने नहीं दिया कि वो प्रूव कर सके। तो ये एक साइकोलॉजी है कि आदमी हमेशा अपने आप को प्रूव करना चाहेगा। तो मैंने ये सोच के जेलों पे ध्यान दिया कि मैं कैसे इनको इतना इंस्पायर करूं, they can prove themselves. तो हमने उसमें से कैदियों को इतना इंस्पायर किया कि उनके जो फ्रीडम, उनको नाम हमने दिया फ्रीडम मंसा। और जब 2-4 मंचा बन के आए, हमने उनको एग्जीबिशन वगैरह में लगाया, जिस लेवल के लोगों ने उनको परचेज किया, जिस तरह के अवार्ड उनको मिले, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये जेल में रह के इतना अच्छा काम कर सकते हैं। एंड दे अप्रूव्ड देमसेल्फ्स। कुछ लोगों ने तो मतलब एक ट्रेन बनाई, किस लोगों ने कोई तीर्थ स्थान बनाया, बोला कि जब मैं जेल से छूट जाऊंगा तो ट्रेन में बैठ के मैं अपने परिवार को घूमने ले जाऊंगा, जब मैं जेल से छूट जाऊंगा तो मैं अपने परिवार को यहाँ घूमने के लिए लेके जाऊंगा। सर, इट्स अ वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल आइडिया, द आइडिया ऑफ क्रिएशन, वो कैसे हमको बचा लेता है, यू नो, औरत
ऑफ कोर्स ये नहीं कि हर औरत जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती उसमें वो पावर नहीं है, बट यू नो जस्ट द इम्पैक्ट दैट चाइल्ड बेयरिंग हैज ऑन अ वुमन, यू फील दैट मेन फील शॉर्टेंड, यू नो दैट दे फील दैट यू नो हमने कुछ नहीं बनाया, हमसे मतलब हमारे हाथों से कुछ नहीं बना है. So that fulfillment that comes to men, you know, who are lost, who have been abandoned by society, or who are locked up for a crime, great or small, psychologically it's like a treatment for them also. Right. So. एक्सपोर्ट्स में जयपुर रक्स का इतना बड़ा नाम है ग्लोबली. इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बिजनेस दैट यू रन. इट्स रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स अमंग्स द बिगेस्ट कार्पेट कंपनीज इन इंडिया. हाउ डिड यू अराइव एट दैट? हाउ डिड यू रीच दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेमेंडस सक्सेस? देखिए, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं. दो तीन क्राइटेरिया तो मैं आपको बता चुका है कि जैसे एक तो डायरेक्ट व्यूवर से काम करना, कॉन्ट्रैक्टर मिडल मैन को नहीं लेना, फिर उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना के एक कल्चर क्रिएट करना, एक फैमिली बनाना 600 गांव में. और उसके अलावा जो एक जयपुर रक का जो एक ब्रांड बना पूरे दुनिया में, एक ग्लोबल ब्रांड, बड़ा कॉन्शियस लग्जरी ब्रांड जिसको बोलते हैं. आजकल तो बहुत सारे शब्द आ गए ब्रांड के पीछे भी. तो लेकिन आपने पहले किया था, बिफोर इट बिकेम अ बज़वर्ड, बिफोर इट बिकेम अ क्लेवर टर्म, क्लेवर कैच फ्रेज टू यूज, यू वर डूइंग इट सिंस 1978. हाँ, और आप ये देखिए कि ये जो मैं आपको बहुत सच्ची बात बताता हूँ कि जब हम ब्रांड की बात करते थे, मेरे 500 बच्चे अमेरिका में पढ़े हैं, जब ब्रांड की बात करते हम सभी सोचते थे कि इंडियन कंपनी कभी ग्लोबल ब्रांड नहीं बना सकती. और फिर हम ब्रांड की बात करते तो हम सोचते थे कि हम तो बहुत छोटे हैं, लुई विटोन और जारा ये इसी तरह की कंपनियां ब्रांड बना सकती है. तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कभी ब्रांड बनाना है. लेकिन ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि आज के करीब 10-12 साल पहले मुझे ऐसा आइडिया आया कि हमारे जो कस्टमर हैं, विदेश के इतने सारे लोग आते हैं, उन लोगों को हम वीवरों से मिलाएं. और मेरा यही था कि एंड कंज्यूमर और वीवर दे गेट इमोशनली अटैच विद ईच अदर. तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ कस्टमर को लेके गए हम लोग. तो वो इतने ज्यादा खुश हुए कि उसके बाद फिर 10 साल में हमने इसको पूरा एक डिपार्टमेंट बना के हमने बोला कोई भी रिसर्चर, दुनिया का कोई भी आदमी वीवर से मिलना चाहे. तो धीरे धीरे लोग वहां पर जाने लगे. ऐसा कोई दिन नहीं होता था कोरोना से पहले कि कोई ना कोई दुनिया में कहीं कहीं से नहीं आ रहे हैं. तो कितने सारे आर्टिकल आने लग गए, लोगों ने काफी अच्छा बोलना शुरू किया. फिर इसके बाद 7-8 साल बाद हमें लोगों ने बताया कि जयपुर रक्स ग्लोबल लग्जरी ब्रांड, किसी ने बोला कौन सा ब्रांड. तो हमने तो सोचा कि हम तो ब्रांड का मतलब भी नहीं समझते हैं, ब्रांड होता क्या है और ये कौन से सोर्ट लग्जरी, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो हम तो सोच भी नहीं सकते. तो लोगों ने बोला कि ऑलरेडी आपका ब्रांड बन चुका है. तो हमने कहा हमने तो कभी कुछ ब्रांड के लिए कोई न कोई एफर्ट किया, न कोई पैसा खर्चा, न हमने कभी इस बारे में सोचा. यू एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंसी, यू शोड देम द आर्टिसन, यू शोड देम द बैकएंड, जो काम करता है उस पे आपने मास्क नहीं लगाया, उसको आपने दिखा दिया दुनिया को कि ये आदमी है, ये इसका नाम है, ये ऐसे बनाता है, आप देखिए. सो देर इज नो शॉर्टकट टू दैट सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी. कोई भी रिपोर्ट, कोई भी अकाउंटेंसी फर्म ऐसा नहीं कर पाती है जो आपने करवाया है. ये बहुत अच्छा बताया नम्रता आपने कि बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं. मैं आपको बताऊं कि जब लोगों ने बताया कि ब्रांड बन चुका है, तब मुझे समझ में आया कि जितने लोगों को मैंने वहां पर भेजा और ईच एंड एवरी आदमी से मैं खुद मिलता था, वहां से आने के बाद हर आदमी मेरे से मिलता था और वो इतने खुश हो जाते थे. तो फिर मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये लोगों को ना
वीवर से मिलाने के बाद न तो मुझे सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, न मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है। ये सारे जितने भी लोग जो वीवर से मिले हैं, यही मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, यही मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और ये ही जयपुर के ब्रांड को बनाने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने कितने लोगों को जाके अपने दुनिया में बोला, मतलब So when people call you the Mahatma Gandhi of the carpet industry, आपको कैसे लगता है? आपको प्रेसिडेंट का पुरस्कार मिला है, you know, important management gurus like C.K. Prahlad has mentioned you in his book, Raj Sisodia has mentioned you in his book. I mean, you are a national hero. कैसे लगता है? और आप did you imagine के you know एक दिन लोग मेरी तारीफ करेंगे और ऐसी तारीफ करेंगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। लोग मेरे को तो जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, परिवार के लोग, वो ही बोलते थे कि यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट वेरी बैड बिजनेसमैन। नो, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। बैड का मतलब, उनका बैड का मतलब था कि बिजनेस करने के लिए आप में चलाकी होनी चाहिए, आप में कुछ दिखावा होना चाहिए, और आप ये सब चीजों से परे हो तो आप बिजनेस कैसे बनाओगे? आप ये जो खरी खरी बातें बोल देते हो, उससे आपका आपका बिजनेस कैसे कैसे बनेगा? तो मैंने कभी, बट सर 40 इयर्स यू आर स्टिल, जयपुर रग्स इज स्टिल सेल्फ फंडेड, और योगेश योर सन, आई स्पोक टू हिम, ही सेड लास्ट ईयर द टर्नओवर वाज 167 crores फॉर अ सेल्फ फंडेड कंपनी, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए, मैं इसका जो श्रेय तो उसी चीज को देना चाहूंगा कि ज्यादातर जो कंपनियां है सीएसआर करती है, सोसाइटी के लिए काम 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 करती है, उसमें और मेरे काम करने में क्या फर्क है, जयपुर में क्या फर्क है? मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मैंने जो भी किया, मैंने वो किया जिसमें मुझे मजा आता था। व्हाट एवर आई डिड आई एंजॉयड, और वो मैंने अपने लिए किया, मैंने किसी दूसरे के लिए नहीं किया, मैंने सोसाइटी के लिए नहीं किया, मुझे मजा आता था और मुझे उसमें इतना ज्यादा आनंद आने लगा काम में कि वन डे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग एंड रीच टू द सोसाइटी एंड द कस्टमर। Sir, now your children work with you. Yogesh handles business strategies, Kavita handles the international market. How did you ensure that they had the same passion, the same drive for social impact, for conscious capitalism? ये जैसे लोगों का प्रेम, you know, आपके दिल में था, वो आपको आपको कैसे पता कि आपके बच्चे भी they will walk your life? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, ठीक है, और मैं आपको बताऊं, और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कैसे प्रॉब्लम है कि बेन एंड कंपनी को आप जानते होंगे, BAIL, यस, बेन एंड कंपनी, हाँ, स्ट्रेटेजी की दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, यस। तो उन्होंने, उनके दो चार जो बहुत सीनियर पार्टनर है, जो बहुत ग्लोबली, मतलब दे आर द बेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, वो एक बार जयपुर आए थे, पूरा दिन मेरे साथ गुजारा। फिर उन्होंने वहां जाके, अपने देश में जाके, उन्होंने बोला कि वी वांट टू हेल्प यू। तो दे डिफाइंड द कोर ऑफ जयपुर, हु वी आर, वो उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि आउट ऑफ 1 million फाउंडर ड्रिवन कंपनी, ओनली 2 कंपनी क्रॉसेस 100 million रेवेन्यू। 10 lakh में से 2 ही कंपनियां जो बड़ी होती है, बाकी कंपनियां छोटी रह जाती है, बंद हो जाती है। उसका कारण ये है कि जो फाउंडर होते हैं वो अपने विजन, मिशन, अपनी कोर को पेपर पे नहीं लाते। जब पेपर पे नहीं लाते तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बता सकते, फिर प्रोफेशनल को नहीं बता सकते। तो उन्होंने हमारी कोर को डिफाइन किया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया कि आप लोगों का जो काम है वो काम बिजनेस चलाना नहीं है, बिजनेस बढ़ाना नहीं है। आपका काम यह कि आपके फादर की जो ये लिगेसी है, जो हमने आपको लिख के दी है, उस लिगेसी को बढ़ाना है। बिजनेस को तो आपके प्रोफेशनल बढ़ाएंगे, लेकिन आप 500 बच्चों का काम है कि आप इस लिगेसी को बढ़ाइए।
फिर उन्होंने सारे बच्चों की कोचिंग की, मेरी मुझे भी मेरी भी कोचिंग की, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजों की समझ ही नहीं थी। तो अभी सारे बच्चे ना इतने पिछले 4 साल में ट्यून्ड हो गए हैं कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, कि ये जो इम्पेक्ट जो आया है उस इम्पेक्ट को और डीपर लेवल पे कैसे कैसे बढ़ाएं। और उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि द डीपर यू गो इनटू योर कोर यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी। या फैंटास्टिक। एंड व्हाट इज द फ्यूचर नाउ, वेयर डू यू सी जयपुर लक्स? अभी आगे क्या 4 साल 5 साल में कहां जाएंगे जयपुर लक्स? आप इन्वेस्टर्स को आने देंगे? व्हाट आर योर प्लान्स? देखिए अभी हमने इन्वेस्टर के बारे में तो नहीं सोचा है, लेकिन नहीं सोचा है। You haven't no investors as yet. Okay. नहीं अभी हमने सोचा नहीं मतलब। Okay. लेकिन मैं एक फ्यूचर जरूर, जो द फ्यूचर भी आई कैन सी कि अभी हम जो कर रहे हैं और जो हमारा जो पोटेंशियल है उसे 5% से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो पोटेंशियल इज ह्यूज, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक के बाद का जो टाइम है, लोगों को एक पर्पज चाहिए, एक डिरेक्शन चाहिए, एक हीलिंग चाहिए। और जयपुर के जो प्रोडक्ट है उससे उनको वो हीलिंग मिलती है। और दूसरा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द को क्रिएशन, एंड कंज्यूमर, इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनर्स, वीवर, सबको साथ लेके हाउ वी कैन को क्रिएट। तो मैं तो एक कितना बड़ा फ्यूचर देख रहा हूँ जिसकी कोई मतलब अनलिमिटेड फ्यूचर। अब उस पे हम विचार कर रहे हैं कि हाउ वी कैन डू इट। आई थिंक इट्स वंडरफुल सर, इट्स अ वंडरफुल विजन टू हैव, इज टू स्प्रेड द लव, टू ग्रो द लैंग्वेज ऑफ co-creation and to really drive change in India. It's another type of nation building that you are doing, sir. And congratulations on the most wonderful company I have come across. I'm very happy talking to you and thank you for your time, sir. Thank you. If you enjoyed the show or not, write to me on Instagram, Twitter or Clubhouse at Namrata Zakaria. For updates on Tell Me How You Did It, follow us at HT Smartcast. We're on Facebook, Instagram, Twitter and Clubhouse. To listen to more podcasts, log on to hdsmartcast.com or suno naye nazariye se.